अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर इकाई द्वारा संजीवनी सेवा संगम महाविद्यालय में चतुर्थ सेमेस्टर में हुए अनुचित मूल्यांकन को लेकर प्राचार्य महोदया को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन के पश्चात प्राचार्य महोदया ने त्रुटियों को सुधारने और सभी विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा का उचित मूल्यांकन कर परीक्षा फल शनिवार 3 दिसम्बर तक पुनः प्रेषित करने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर सहमंत्री अमन शर्मा ने बताया कि 28 नवंबर 2022 को परिषद के संज्ञान में आया कि संजीवनी सेवा संगम महाविद्यालय में चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकांश विद्यार्थियों को सभी विषयों के प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण कर दिया था, जबकि यह सभी विद्यार्थी थ्योरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महाविद्यालय से कहीं ना कहीं गलती हुई है। उक्त ज्ञापन के पश्चात प्राचार्य महोदय ने त्रुटियों को सुधारने और सभी विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा का मूल्यांकन कर परीक्षा फल शनिवार 3 दिसंबर तक पुनः प्रेषित करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में मुख्य रूप से महानगर सहमंत्री अमन शर्मा, हर्ष गंगवाल सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी कार्यालय मंत्री गौतम रत्नावत ने राष्ट्र समाचार के प्रधान संपादक शिवाजी खतुरिया को दी। कोई गुजरात का है तो कोई राजस्थान का है। मैडम आप भी देखने के बाद ही कैसे हो रहा है? हमने जाने बच्चे को नहीं किया ये मान मेरा वही मतलब है। आपने नहीं किया, हमने बोल रहा आपने किया। ये गलती हो गई है, उसको अपन सुधारने के मेरा भी वही मतलब है।